दूसरी गैंग ने यार हमारे कैंप पे अटैक कर दिया था, वो लोग हम लोग को खत्म करने आए थे, पर हम लोगों ने एक एक करके सारे के सारे बंदों को खत्म किया। एंड उसके बाद हम लोग सीधे गए सैंट डेनिस और वहां के पोस्ट ऑफिस में रॉबरी की, क्योंकि हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि यार वहां पे ना काफी ज्यादा पैसा आया है, पर भाई इन्फॉर्मेशन गलत निकली, वहां पे पैसा भी बहुत कम मिला और हमारे पीछे अभी भाई पूरी की पूरी पुलिस पड़ी हुई है। मतलब सैंट डेनिस की सारी पुलिस हम लोग को ढूंढ रही है और पुलिस ने तो हंटर्स को हायर किया है भाई हमें खत्म करने के लिए। मतलब अभी हमारी पूरी गैंग को बाउंटी हंटर्स ढूंढ रहे हैं, तो कैसे भी करके यार हम लोग को ये लोकेशन चेंज करके कैंप को कहीं और लेकर जाना है और अपने कैंप को बचाना है। सो गाइस बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और हाँ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, तुम लोग के लिए ऐसी बढ़िया बढ़िया वीडियो में लेकर आने वाला हूँ। एंड इस वाले चैनल पर हम लोग बहुत सारे गेम खेलने वाले हैं, तो कॉमेंट करके यार बताते रहना कि मुझे कौन कौन से गेम के वीडियो डालने चाहिए। एंड एक सेकेंड, मैं यहाँ से जा रहा था और किसी को मेरी हेल्प चाहिए शायद, कोई तो मुसीबत में पड़ा हुआ है। एक मिनट भाई हेल्प कर मेरे को, एक सेकेंड मेरे को कोई तो दिख रहा है, एक सेकेंड रुक जाओ। ओके ब्रिज के ऊपर, ओके गाइस यहाँ पे ये पुलिस वाले खड़े हैं भाई ब्रिज ब्लॉक करके। एक मिनट मेरे को यहाँ से निकलना पड़ेगा। एक मिनट हीरा जंप कर सकता ना? ओके बहुत सही, तो एक काम करते हैं रास्ता पूरा चेंज करके अपन लोग यहाँ से चलते हैं, क्योंकि हर एक जगह पुलिस मेरे को ढूंढ रही है। एक सेकंड मैप में कुछ तो मेरी तरफ आ रहा है भाई बहुत ज़्यादा तेज़ी से, तो भाई मेरे को पता लगा है कि यार जो पुलिस वाले हैं ना वो तो हम लोग को पूरी जगह ढूंढ नहीं सकते, इसीलिए पुलिस ने ना बाउंटी हंटर्स को हायर किया है हमें ख़त्म करने का। और अगर बाउंटी हंटर्स हमें ख़त्म करते हैं तो उन्हें पैसे मिलने वाले हैं। और एक मिनट यार मेरे पास गन वगैरह है ना, मेरे को तैयार रहना पड़ेगा क्योंकि वो लोग कभी भी यहाँ तक आ सकते हैं। ओके कुल्हाड़ी वगैरह, ये वाली पिस्टल में यार थोड़ी गोलियाँ कम है गाइस। एक सेकेंड ये कौन सी रिवॉल्वर है? एक काम करते हैं ये वाली बढ़िया लग रही है, ये गाने मेरे पास। ओके काफ़ी सारी पिस्टल मेरे पास आ चुकी है, तो भाई ये तो मैंने यूज़ ही नहीं करी भाई, इसकी तो ऐसी की तैसी। आ जाओ बेटा, जो भी पहले ना बाउंटी हंटर से ही नहीं पट ले रहा हूँ, क्योंकि मैं कब तक भागूंगा यार, बार बार वो लोग आने में लगे। बट मैं एक मिनट, मेरे को हीरा से उतरना पड़ेगा। यहाँ देखो बेचारा यार प्यारा सा एक डॉगी भी घूम रहा है। इस गेम के जो ग्राफिक्स हैं ना यार बहुत ही ज़्यादा तगड़े लगते हैं, इसीलिए मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है भाई। लाइक भाई करके शेयर ज़रूर कर दिया करो। और एक सेकेंड, इस साइड में बहुत ज़्यादा पुलिस खड़ी है, मतलब मैं सैंट डेनिस के अंदर यहाँ से तो एंटर नहीं कर सकता, पर मेरे को डच ने ना आगे ही बुलाया है, तो मेरे को जाना तो आगे है, पर ये लोग आ कहाँ से रहे मेरे को देखना पड़ेगा। एक सेकेंड मैप ओपन करके, ओके तो अभी मैंने यहाँ पे मैप ओपन कर लिया, ये रही मेरी लोकेशन एंड ये रही एनिमीज, तो मेरे को इनसे थोड़ा दूर रहना है। जो तुम लोग को रेड एरिया दिख रहा है ना, यहाँ से हम लोग बाहर नहीं जा सकते। और ये रहा डच, ओके डच तो मुझे लगता है कैंप में ही है गाइस, तो मुझे ना डच के पास चलना चाहिए। ओके तो मुझे लगता है हमें ना जल्दी से जल्दी अपने कैंप को छोड़ना पड़ेगा, इससे पहले पुलिस वहाँ पे हमला कर दे, क्योंकि अगर पुलिस ने हमला कर दिया ना फिर तो कैंप को बचाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। ओके तो अभी मैं कैसे भी करके यहाँ से निकल, ओके चुपचाप से निकलना पड़ेगा। बहुत सही, ये लोग मेरे को देखना ले। ओके तो एक काम करते हैं हम लोग ना इधर से शॉर्टकट मार से, थोड़ा सा मुश्किल तो है भाई। लोगों ने मेरे को देख लिया गाइस, गोलियां चलाना स्टार्ट कर दी, पर कोई दिक्कत नहीं है, अपना हीरा ना भाई मतलब तूफान की रफ्तार से भागता है, बहुत ही सही भागेगा। और हाँ पिछले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों से पूछा था कि मुझे नया घोड़ा कौन सा लेना चाहिए, तो बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि जंगल से पकड़ के लाओ। तो भाई आराम से पहले कैंप को ना अपन लोग बढ़िया सा सेटअप करवा दें, उसके बाद जंगल चलेंगे। मतलब जंगल नहीं, मैं माउंटेन्स में जाऊँगा जहाँ से मैं हीरा को लेकर आया हूँ ना। इसमें ना आरडीआर का बहुत बड़ा मैप है, और है क्या यार देखो अलग अलग जगह पे ना अलग अलग टाइप के घोड़े मिलते हैं, तो जैसे ये हीरा है ना इसको मैं माउंटेन के ऊपर से लेकर आया था, मतलब बर्फ जहाँ पे पड़ता है बहुत ज़्यादा बर्फ, हिल एरिया एकदम। एंड जो दूसरा घोड़ा है ना मैं उसे और कहीं से लेकर आऊँगा जो इससे थोड़ा तेज हो, वैसे ये भी बहुत ज़्यादा तेज है और रेयर टाइप का घोड़ा है जो मेरे पास है, इसीलिए मैं इससे घूमता हूँ। तो फटाफट से एक काम करते हैं अपन लोग चलते हैं डच के पास एंड चल के देखते हैं कि वो बुला क्यों रहा है, और मैंने यहाँ से शॉर्टकट मारने वाला हूँ। यार इतना लंबा कौन घूम के जाएगा, शॉर्टकट मारते हैं जल्दी पहुँच जाएंगे। ओके तो अभी शॉर्टकट मार के हम लोग अपनी कैंप में पहुँच चुके हैं, और तुम लोग यहाँ देख रहे हो यार अपने कैंप की जो लेडी है ना वो भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है, और कैंप में ना थोड़े बंदे कम हो गए हैं इसीलिए सारे लोग यहाँ पे देखो चारों तरफ खड़े हैं भाई, चौकन्ने हैं एकदम, क्योंकि कहीं से भी अटैक हो सकता है। और तुम लोग यहाँ पे घोड़े देख रहे हो, जितने भी घोड़ों पे सैडल नहीं है ना उतने घोड़ों को हम लोग यूज़ कर सकते हैं, मतलब ये जंगली घोड़े हैं जो ये लोग पकड़ के लेकर आए हैं, बट जिनके ऊपर सैडल है ना वो यूज़ नहीं कर सकते, जैसे ये वाला घोड़ा है
अगर मैं इसके ऊपर बैठने का ट्राई करूंगा ना तो मैं बैठ नहीं पाऊंगा क्योंकि वो किसी और का घोड़ा है। पर यहाँ देख रहे हो अलग अलग टाइप के घोड़े, इसके पैर देखो कितने ज्यादा मोटे हैं। तो ये एकदम अलग घोड़ा है, ये एकदम अलग घोड़ा है, और ये वाला एकदम अलग है। कलर इसका तो कलर भी बढ़िया लग रहा है यार। बाकी अपना हीरा है देखो, ये एकदम अलग है। इस साइड में भी बहुत सारे टाइप के घोड़े हैं। तो इस गेम के अंदर ना घोड़े बहुत अलग अलग तरीके के आते हैं, तो मैं ना एक बढ़िया सा घोड़ा ही लेकर आऊंगा। पर अभी चलते हैं अपन लोग डच के पास एंड देखते हैं भाई काम क्या। वो खड़ा है देखो डच, तो डच यार देखो अपने काम का लीडर। और गाइस यहाँ पे पैकिंग वगैरह तो अभी तक इन लोगों ने की नहीं है। एक सेकेंड भाई, अपने को जाना या नहीं जाना? मेरे को लगता है कि शायद डच का प्लान चेंज हो गया है, पर चलो कोई दिक्कत नहीं है। चल के फटाफट से पहले उससे बात करते हैं एंड पता करते हैं करना क्या। और एक मिनट भाई, मेरे को ऊपर जाना है ना, पता भी नहीं चलता है। एक तो इस वाले भाई बड़े से घर में, मतलब घर तो नहीं है भाई, हवेली टाइप का है कुछ, इसमें पता ही नहीं लगता कि जाना कहाँ पे। पर मेरे को भी टॉप पे ही जाना है। एक मिनट, ये खुलता है क्या? ओके सारे गेट खुल गए भाई, पहले तो ये बंद था। ओके तो फटाफट से डेस्क से बात करते हैं एंड पता करते हैं कि यार करना क्या है। ओके तो गाइस यहाँ पे भाई बातचीत चल रही है डच और यहाँ पे अपने अंकल भी बैठे हैं। तो अंकल बोल रहे हैं कि यार जरूरी नहीं है कि हम लोग उनसे रिवेंज लें जिन लोगों ने हमारे ऊपर अटैक किया था। पर डच बोल रहे हैं कि यार भाई रिवेंज तो लेना पड़ेगा, ऐसे ही कोई भी अटैक नहीं कर सकता अपनी गैंग पे। तो देखते हैं भाई, अभी आर्थर जिसको भी वोट करेगा वही काम होगा। अगर आर्थर ने भाई वोट किया कि मेरे को रिवेंज लेना है, तो अपन लोग शायद उनके पास जाएंगे जिनने हमारे ऊपर अटैक किया था, हम उनके ऊपर अटैक करेंगे। और अगर ऐसा हुआ ना तो भाई कोई नहीं बचेगा, चुन चुन के मारा जाएगा सबको। ओके तो अंकल यहाँ पे बोल रहे हैं कि यार हम लोग को ना ये जगह छोड़ के चले जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा खतरा है। पर डच बोल रहे हैं कि यार जा नहीं सकते भाई, यहाँ बहुत पैसा है, अगर ये जगह छोड़ के चले गए ना तो भाई बहुत नुकसान हो जाएगा। एक लास्ट काम करते हैं, एक बार पैसा कमा लें तो उसके बाद यहाँ से काफी दूर चलेंगे पूरी कैंप को लेकर। पता नहीं यहाँ पे कौन से काम की बात चल रही है, पर जो भी काम होगा ना भाई खतरा बहुत होगा, क्योंकि भाई आर्थर और भाई डच जा रहे हैं साथ में, तो बहुत तगड़ा सीन होगा। ओके तो अभी फटाफट से चलते हैं डच के साथ। मेरे को नहीं पता भाई क्या करवाने वाला है ये, बस मेरे को ना अपनी तैयारी पूरी रखनी है। ओके मेरा खाना वगैरह, मेरी हेल्पफुल है, बाकी मेरे पास काफी सारा खाना है तो मैं खा लूंगा अगर जरूरत पड़ती है। बाकी वेपन वगैरह भी मैंने थोड़े बहुत ले लिए थे यार, मेरे को वेपन तो लेने दे यार। डच कहाँ लेकर जा रहा है भाई, बोट से लेकर, मतलब ऐसा ना हो ये गैंग के बीच में ले जाए, क्योंकि ये बंदा ना यही करता है, नाम का लीडर है, काम कुछ नहीं है, बस नाम का लीडर है। ओके तो गाइस तुम लोग सामने देख सकते हो भाई डच का घोड़ा भी यहाँ पे तैयार हो गया है। ओके डच का घोड़ा भी मेरे घोड़े जैसा ही है, बस थोड़ा सा बड़ा लगता है मेरे को। ओके मेरा तो यहाँ पे ये है ना मेरा, अबे भाई आगे तो निकलने दो। ओके तो भाई ये वाला घोड़ा तो मेरा ही है। ओके फटाफट से बैठते हैं एंड वो सामने है भाई डच का घोड़ा। दोनों सेम ही लग रहे हैं यार, एकदम सेम टू सेम, पर स्पीड में तो भाई मेरा तेज है। पर अभी मेरे को डच के साथ ही चलना पड़ेगा। यहाँ का वेदर देख रहे हो, अचानक से एकदम चेंज हो गया यार, रात होने वाली है, पता नहीं कहाँ लेकर जा रही है। सो अभी हम लोग यार सैंटा डेनिस की तरफ जा रहे हो, और डच के यार काफी खतरनाक वाले प्लान है। डच बोल रहा है कि यार हम लोग को ना सैंटा डेनिस में एक बड़ी बैंक रॉबरी करनी चाहिए। पर यहाँ पे आर्थर बोल रहा है अगर बैंक रॉबरी करते हैं तो भाई जो बाउंटी हंटर्स है वो भी पीछे पड़े हुए हैं, पुलिस भी हमें मार सकती है। पर डच पता नहीं क्या करवाने वाला है, और बाकी डच बोल रहा है कि हमें रिवेंज भी लेना है। तो भाई आज बहुत तगड़ा सीन होने वाला है यार। भाई दिन होने का इंतजार तो कर लेता, कोई देख रहे हो रात होने वाली है, और जंगलों में एक तो जंगली जानवर भी है, और पता नहीं कहाँ ये क्या करवाएगा भाई। मतलब सैंटा डेनिस में तो बहुत ज्यादा पुलिस है चारों तरफ, पर अभी इसके साथ चलना ही पड़ेगा, नहीं तो बोलेगा भाई आर्थर डर गया, और आर्थर डरता नहीं है किसी से भाई, जो करना होगा भाई करेगा आर्थर। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं भाई आर्थर जहाँ पे हम लोग को लेकर आए। तो गाइस यहाँ आते आते रात हो चुकी है एंड मुझे लगता है कि यहाँ पे हम लोग शायद किसी बोट की बात करने आए हैं। ओके तो मैंने यहाँ पे लांटेन वगैरह निकाल लिया, और ये कोई थॉमस है। ओके तो ये डच का भाई फ्रेंड ही है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब यहाँ लड़ना तो नहीं है कम से कम। ओके तो हम लोग यहाँ पे किसी बोट का इंतजाम करने आए हैं, ये बंदा शायद बोट वगैरह बनाता है। ओके तो अभी यहाँ पे बातचीत हो चुकी है, और अभी हम लोग को इस बंदे के साथ जाना है। और गाइस मेरे को समझ आ चुका है, जो सैंटा डेनिस का भाई बिजनेसमैन है ना, ब्रांटे शायद यही नाम है उसका, तो उसके साथ अभी भाई डच कुछ गड़बड़ करने की सोच रहा है, क्योंकि उसी बंदे ने हमारे कैंप पे अटैक कराया था, ये तो पता लग गया है। तो डच बोल रहा है कि यार उसे ना खत्म भी करना है, उसके पैसा लूटना है, और उसको छोड़ना नहीं है। बाकी जो ये बंदा है ना, ये डच का पुराना फ्रेंड है, और ये इस काम में हमारी हेल्प करने वाला है। ये लेकर कहाँ जा रहा है जंगल में? और वहां देखो भाई पानी के अंदर मेरे को अभी क्रोकोडाइल नजर आया है, और भाई सांप वगैरह घूम रहे हैं। वो देखो सामने तुम लोग को शायद दिख रहा होगा, वो देखो पानी में सांप घूम रहा है भाई। यहाँ पे ना पॉइजन वाले सांप है, अगर किसी ने काट लिया ना तीनों में से किसी को तो यही मर जाएंगे हम लोग। ये भाई कितना तेज चल रहा है ये, मैं अगर चाहूँ तो इसको यहाँ पे शूट कर सकता हूँ, बट अभी मेरे को करना नहीं है। और
कहाँ जा रहा है ये, एक मिनट। ओके तो गाइस ये लोग जा कहाँ रहे हैं, यहाँ पे इसने ट्रैप लगा रखा है किसी के लिए। ओके ओके ये फिश पकड़ता है, फिश। ओके सर्च द ट्रैप, मेरे को भी सर्च करने पड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमें शायद कैट फिश चाहिए। ओके इसने पॉकेट में रख ली अपने, वो देखो सांप घूम रहा है। और पहले मैं सर्च कर लेता हूँ ट्रैप में कुछ है या नहीं है। ओके भाई बड़े मज़ा आता है यार ऐसे काम करने में, देख रहे फुल। ओके ये तो खाली पड़ा है यार। ओके ये खाली पड़ा है। ओके और भी आगे है तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ चलते हैं। ये वाला तो इसने चेक कर लिया, मैं आगे जाता हूँ, मैं बाहर से जाऊँगा भाई, मैं पानी के अंदर नहीं जाने वाला यहाँ भाई। पकड़ के कोई टांगे खींच के ना ले जाए। और यहाँ ना पैंथर वगैरह भी है भाई, रात के अंधेरे में अटैक ना कर दे। वो क्रोकोडाइल देख रहे हो भाई, इनकी तरफ क्रोकोडाइल आ रहा बड़ी तेजी से। हद है भाई, ये तो फिशरमैन है, इसको टेंशन ही नहीं है। मैं चेक करता हूँ तुम लोग रहने दो, मैं जल्दी आ गया हूँ, मैं जाके चेक करता हूँ। अबे भाई इधर ही क्यों आ रहा है, मैं जा तो रहा हूँ। वो पता नहीं वो कहाँ जा रहा है, पानी देख रहे हो कहाँ तक जा रहा है भाई, इतना अंदर पानी के कहाँ जा रहा है, इसके अंदर कुछ है। अबे ये भी खाली पड़ा है, हद है भाई। वो देख रहे हो गाइस सामने, एक सेकेंड, नहीं 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 इसमें फिश थी एक। ओके कुछ तो भाई, पानी के अंदर मैं नहीं जा रहा, वहाँ मेरे को जाना है क्या वहाँ। हद है भाई, ये मेरे को मरवाएंगे दोनों। देखो ये दोनों यहाँ खड़े होकर बिल्कुल नदी के उस साइड में ना, वहाँ पे एक ट्रैप लगा है, मैं इनके पीछे पीछे चलने वाला हूँ भाई। देख कंधे कंधे तक पानी है और यहाँ क्रोकोडाइल घूम रहे हैं। रात के अंधेरे में इन्हें चैन नहीं है भाई, सुबह आ जाते यार, मेरे को डर लग रहा है पीछे से मेरे को मुंडी ना पकड़ ले कोई आगे। ये देख रहे हो ठीक से, यार टच क्या करवाता रहता है भाई, तू मरवाएगा क्या। वो देखो गाइस, ओके यहाँ पे वो देखो सामने क्रोकोडाइल जा रहा है। तो फिशरमैन कह रहा है कि थोड़ी देर के लिए यहाँ पे शांति से खड़े रहो, वो देखो अगर थोड़ी भी तेजी से गया ना भाई, यहीं पकड़ के पानी में ख़त्म कर देगा यहीं पे एक मिनट में। मैं इसके पीछे हो जाता हूँ भाई, मरो, मैं तो यहाँ पीछे हो जाता हूँ, मरो तुम लोग मरो। ओके गया पानी के अंदर गया वो। ओके भाई इनके लिए ना रोज का है, ये फिशिंग वगैरह करते होंगे, इनके लिए रोज का है ना, टेंशन नहीं है। ओके तो अभी मेरे को समझ आ गया, अगर हमें पानी में क्रॉस करना है ना, तो अगर क्रोकोडाइल आसपास होता है तो हमें क्या करना है, हमें शांति से रुक जा। ओके एक और आ रहा है, रुक गया। तो हमें शांति से खड़े हो जाना है। ओके भाई इतनी अंदर क्या जरूरत थी लगाने की ट्रैप, यहाँ देखो कितना ज़्यादा गहरा पानी है, ये देख रहे हो गर्दन तक पानी आ जा रहा है भाई, दलदली इलाके में ट्रैप लगा रहे हैं, हद है भाई। ओके यहाँ कहीं पर एक ट्रैप है पानी के अंदर, कहाँ है भाई ट्रैप। ओके ये देखो कहाँ है, ओके कोई दिक्कत नहीं है, मैं हेल्प करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, निकाल भाई पानी के अंदर घुस गया वो, मिट्टी घुस गई उसके अंदर, खींचने में हेल्प करनी पड़ेगी इसकी, अपन निकाल इसकी। ओके निकाल इसके अंदर, हद है भाई पूरा ट्रैप ही टूट गया, हद है भाई, कुछ है ही नहीं, मेरे को एक आधी फिश मिली हमें और कुछ है ही नहीं। अभी क्या करेंगे भाई, हमें फिश वगैरह तो मिली ही नहीं है, शायद हम लोग यहाँ पे फिश लेने ही आए थे, अब क्या करेंगे। ओके ये लेकर कहाँ जा रहा है भाई, फिर से पानी के अंदर जाना है क्या, इस साइड में तो भाई ज़मीन भी बहुत दूर तक दिख रही है। एक सेकेंड मैं इनके पीछे हो लेता हूँ भाई, मैं इनके आगे नहीं जाने वाला, इनके पीछे चलते हैं। ओ भाई तीन चार क्रोकोडाइल सामने ही है भाई, अंदर ले जाते ही तीनों को पकड़ लेंगे, तीनों को, वो ये बड़े वाले हैं, ये छोटे वाले नहीं है भाई, बड़े से हैं, देखो कितने बड़े से हैं, तीन चार यहाँ पे। ओके तो अभी हम लोग को थॉमस को फॉलो करना है। ओके मैं भाई इन दोनों के पीछे हूँ, नहीं मेरे को बीच में होना चाहिए, पीछे से कहीं भाई मेरे को कोई खींच वेच ना ले। एक काम करते हैं भाई, इसके बीच में चलने का ट्राई करते हैं, बहुत बड़ी नदी है ये। ओ भाई पानी के कितना अंदर ले जाएगा। अबे यार भाई डच मुझे ना हमेशा फंसा देता है यार, डच बोल रहा है कि हम लोग जा रहे हैं, आर्थर तू ढूंढ के लेकर आ भाई, ये ना मुझे हमेशा मरवा देता है यार। अब मेरे को गाइस जाना पड़ेगा यार, नहीं करूँगा तो सीन खराब हो जाएगा भाई। भाई मेरे को एक सेकंड गाइस मेरे को डर लग रहा है भाई, सच्ची में मेरे को डर लग रहा है। पानी के बाहर मैंने इनका जितना शिकार किया है ना, ये आज पानी के अंदर ना मेरा पूरा वसूल करेंगे भाई। कोई आ तो नहीं रहा, थोड़ी सी भी हलचल हुई मेरे को वहीं स्टॉप हो जाना है, थोड़ी सी भी हलचल होती है। ये मेरे को थॉमस ने, यार मेरे को कम से कम 7 तो आना चाहिए था। ओके
कोई दिक्कत नहीं है, इजी। ओके पीछे से भी कोई नहीं आ रहा, वो देखो वो दोनों जा रहे हैं वहाँ पे। बड़े चलाक निकले भाई, दोनों के दोनों निकल लिए, मरने को भेज दिया मेरे को। ओके यहाँ पे क्या है ये, एक सेकंड गाइस, ये क्या है? ओके कुछ है क्या? ये क्या है? जूल्स को हम लोग फाइंड कर रहे हैं गाइस। ये ना मगरमच्छ के अंडे देने वाली जगह है मेरे को लग रहा है, पक्का यही वही है, यहाँ मगरमच्छ अंडे वंडे देते हैं हमने। वे कहाँ है जूल्स भाई, किधर है? एक सेकेंड, यहाँ बोट है। एक मिनट, ओके ओके मिल गया मिल गया मिल गया। चलो 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 चलो, अबे ऊपर है वो। ओके मैं आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ भाई। ये ऊपर इसलिए चढ़ा है क्योंकि पानी के अंदर मगरमच्छ है, पर मैं जा रहा हूँ पानी के अंदर। अबे नीचे है भाई, अबे नीचे है भाई, जल्दी। A monster. भाई मगरमच्छ को मॉन्स्टर कह रहा है, अबे नीचे आ, डर मत भाई। Where? Mastiff, it nearly ate me. Where'd he go? It's out there. कहाँ है? A big gator, biggest I ever saw. Okay, तो गाइस ये बोल रहे हैं यहाँ पे एक बहुत बड़ा एलिगेटर है जिससे डर के ये पेड़ पे चढ़ा हुआ है। You must be Jules. Yes. Where is the boat? Over there. Okay. I ran. देखो बोट के अंदर से कुछ तो लेकर आना है। ये सारे किसान है ना फिशरमैन है, यहाँ पे फिशिंग वगैरह करते हैं, इनका घर इसी से चल रहा है। तो यहाँ पे बोट के अंदर कुछ ना कुछ तो काम का होगा, ये फिशिंग करने आया है भाई। रात में कौन सी फिशिंग होती है? ओके 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 कोई तो आ रहा है गाइस। ओके बोट के अंदर चलो। भाई फंसी हुई है पूरी बोट। ओके तो गाइस अभी मैं बोट को निकाल के भाई लेकर आ चुका हूँ। बहुत ज़्यादा मेहनत लगी भाई, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया तब जाके बोट निकली है। जूल्स को मैं लेकर आ चुका हूँ, थॉमस भी साथ में है, डच भी आ चुका है। ये ना मेरे को एकदम बाहर खड़ा हुआ मिला है, पानी के एकदम बाहर। तो अभी हम लोग यहाँ से सीधे जा रहे हैं भाई इसके घर की तरफ। और ये बंदा ना मतलब ये भाई पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ था, फिर भी मैंने इसकी जान तो बचा ही ली है। एक सेकेंड, अबे यार अब ये क्या हो गया? भाई ये एलिगेटर्स ना बोट को पलटने का ट्राई करते हैं। एक मिनट। ओके। बोट को साइड में लेकर जाना है, बोट फंस गई शायद। भाई इसको मार बार ना दे एलिगेटर। मैं गन वन निकाल लूँ क्या? इसको खत्म ना कर दे भाई एलिगेटर, यहाँ पे ना बहुत ज्यादा एलिगेटर है, हो सकते। अबे खेच भाई थोड़ा ताकत। एक सेकेंड, ओके निकल गए। ओ भाई इसकी तो ऐसी की तैसी एलिगेटर ने मार दिया उसको। अबे यार मुझे बचाने जाना पड़ेगा उसको। मुझे बचाने जाना पड़ेगा यार। अरे यार हद, ओ भाई आगे मॉन्स्टर आ गया मॉन्स्टर। ओ तेरी, अबे कहाँ है वो? अबे आ रहा हूँ आ रहा हूँ। जल्दी 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 ऊपर ऊपर चल मेरे ऊपर चल।
ओ भाई इसका पैर पूरा खा गया, इसका पैर खा गया, इसका पैर ही खा गया। ओ भाई 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 बहुत ज्यादा बड़ा है, बहुत ज्यादा बड़ा है गाइस, बहुत ही ज्यादा बड़ा। अबे गोलियां चलाओ भाई, बहुत ज्यादा बड़ा मॉन्स्टर है जो पीछे आ रहा है, मतलब मॉन्स्टर नहीं भाई एलिगेटर है। अबे जल्दी बोट आ भाई, कितने पागल है, बोट आगे लेकर नहीं आ रहे। इसका पैर पूरा खा गया, ये देखो कितने पागल है भाई, दोनों बोट पे बैठे हुए हैं। अबे इसको पकड़ो, इसको पकड़ो, इसको पकड़ो, अबे यार चल दो ऊपर, चल दो ऊपर, चल। ओ भाई, ओ भाई जान बच गई, जान बच गई इसकी तो, ऐसी बोरा बोरा इसकी तो, ऐसी की तैसी बड़ी करनी है क्या मेरे पास। तेरी तो निकल यहां से भाई, मुंह पे आ रहा है ये भाई, ये बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, ये देख रहे हो, भाग भाग निकलो निकलो निकलो। अरे भाई भाई ये बहुत ज्यादा बड़ा था, मैंने अभी तक इतना बड़ा एलिगेटर नहीं देखा, इतना ज्यादा बड़ा था ये। इसका तो, इसको तो पक्का मैं मारने किसी ना किसी दिन जरूर आऊंगा, इसका तो शिकार करने आऊंगा मैं पक्का, इसे बेच के बहुत ज्यादा पैसे मिलेंगे। ये पक्का गाइस लेजेंडरी वाला एलिगेटर है, जो कि एकदम रेयर टाइप के नहीं होते, ये वो वाला है। अगर मैं इसको बेचता हूँ ना तो मेरे को बहुत ज्यादा पैसे मिलेंगे, और इसका पूरा पैर खा गया, अगर मैं नहीं होता ना ये बच्चा तो गया था आज, वो तो आर्थर ने इसको भाई बचा लिया, बैंडेज वगैरह लगाते हैं। अरे भाई इसका ब्लड निकल रहा है बहुत ज्यादा, रोक के रखना पड़ेगा ब्लड, टेंशन ना ले, पहुंच गया पहुंच गया। अबे जल्दी चला भाई बोट, ये देखो सांप घूम रहा है बगल से, ये वाले सांप भी बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं, पर मैंने इनका शिकार बहुत किया है यार। अब मैं ना जहां पे भी जाऊंगा ना बड़ी वाली गन लेकर जाऊंगा भाई मेरे पास, वो देखो एक और, ओ भाई 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 वो देखो सामने ही। निकल यहां से, तेरी तो निकल यहां से। ओ भाई इसकी जो आवाज है ना बहुत डरावनी है गाइस, बहुत ज्यादा डरावनी। अबे जल्दी निकाल यार बोट, कितना धीरे चला रहा है यार, मुझे पता था कि यहाँ पे एक लेजेंडरी एलिगेटर तो पक्का है, मैं बहुत बार शिकार करने आया है ना, तो मैंने एक बार देखा तो था इसको भाई, बच गया बच गया बच गया, फाइनली हम लोगों ने इसको बचा लिया है, मतलब हमने नहीं भाई मैंने बचाया इसको, सिर्फ आर्थर ने इसकी जान बचाई इसको दो दो बार वो भी। ओके तो अभी हम लोग भाई फाइनली आ चुके हैं भाई किनारे के साइड, मतलब जहाँ पे लोग रहते हैं वहाँ पे आ चुके हैं, फाइनली हम लोग ने बच्चे को भी बचा लिया एंड अपनी जान भी बचा ली है। और ये लोग भाई इन्फेक्शन को हटाने के लिए गार्लिक लगाने वाले हैं, हद है भाई, मतलब आप मेडिसिन के लिए गार्लिक यूज करेंगे। ओके तो ये बंदा अभी हमारी हेल्प करने को तैयार हो चुका है, थॉमस, मतलब हम लोगों ने इसकी हेल्प की, ये अभी हमारी हेल्प करेगा। बाकी डच यहाँ से गया है भाई अपनी गैंग को इकट्ठा करने, वो बंदों को इकट्ठा कर रहे हैं, एंड जैसे ही बंदे वगैरह इकट्ठे हो जाएंगे वो यहाँ पे आ जाएगा, एंड उसके बाद शायद हम लोग अटैक वगैरह करने वाले हैं, वो भी तगड़ा वाला। बाकी काफी ज्यादा रात हो चुकी है, एंड ये कहाँ जा रहा है भाई दोबारा, भाई पता नहीं रात में कहाँ शिकार विकार करने जा रहा है। मैं एक काम करता हूँ पहले भाई, मैं अपनी लांटेन, एक सेकेंड, यहाँ पे एक और एलिगेटर है देखो छोटा सा, मतलब छोटे वाले तो इतना ज्यादा कोई परेशान नहीं करते, बट जो बड़े बड़े हैं ना भाई वो बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। अबे 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 भाई भाई भाई, मैंने फिर से अपने कपड़े वपड़े गंदे कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है, पहले एक काम करते हैं यहाँ से साइड में चलते हैं एंड चल के अपना कैंप लगाते हैं, क्योंकि रात हो रही है ना, तो पहले भाई सोना बहुत ज़रूरी है। और ये देखो क्योंकि इस वाले एरिया में ना बहुत ज़्यादा अटैक होता है, अरे भाई कितनी मुर्गी है, मर भर ना जाए यार इन लोगों की, मर गई तो पैसे वैसे ले लेंगे ये। मैं काम करता हूँ यहाँ से थोड़ा सा आगे चलते हैं एंड मैं पहले साइड में कहीं कैंप लगा लेता हूँ, क्योंकि रात में ना भाई ट्रैवल करना बिल्कुल भी फ़ायदेमंद नहीं है यहाँ पे, वो भी इस वाली जगह में। तो एक सेकेंड पहले, एक मिनट मेरे को कैंप लगाना पड़े, एक मिनट यहाँ कैंप नहीं लगा सकता क्या मैं, घोड़े के ऊपर बैठ के देखना पड़ेगा। ओके तो अभी हम लोग कैंप वगैरह लगाते हैं और सुबह हम लोग निकलेंगे, क्योंकि रात में निकलने का कोई फ़ायदा नहीं है। ओके तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कि मैं 3 घंटे की नींद ले सकता हूँ रात के लिए, मॉर्निंग के लिए 9 घंटे एंड आफ्टरनून के लिए 15 घंटे। तो मैं ना एक काम करता हूँ, 9 घंटे के लिए सोता हूँ, 9 घंटे काफ़ी रहेंगे,
ओके तो अभी सुबह हो चुकी है और भाई सुबह सुबह ना कुछ ऐसा नज़ारा आता है। और एक सेकेंड यार, सुबह हो चुकी है तो भाई थोड़ा खाने पीने का इंतज़ाम भी कर लिया जाए, आसपास थोड़ा शिकार वगैरह करते हैं। ओके तो मैं ना भाई अपनी बो से ही शिकार करूँगा, मतलब बहुत टाइम ना मैं ज़्यादा बो नहीं चलाता हूँ, तो छोटा मोटा शिकार चल जाएगा, ज़्यादा बड़े का शिकार करके कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे एक मिनट गाइस, मेरे को नदी के उस साइड में एक हिरन नज़र आ रहा है, मैं उसको ईजिली मार सकता हूँ अगर वो नहीं भागा तो। हाँ रेंज में अपनी रेंज में है। ओके भाई फुल हेडशॉट मारा मैंने उसको, फुल हेडशॉट। फटाफट से उसको लेकर आते हैं और जल्दी से कुक करके ना पहले नाश्ता पानी कर लिया जाए, उसके बाद अपन लोग चलते हैं, क्योंकि बहुत सारे काम करने हैं अपने को भाई। रॉबरी करनी है, गैंग से बदला लेना है, बहुत कुछ करना है। तो फटाफट से पहले इसको उठा के लेकर आते हैं। काफ़ी बड़ा हिरन है भाई, फिर भी एक शॉट में कैसे मर गया? अच्छा हेड शॉट मारा होगा मैंने, इसलिए एक शॉट में ही निपट गया, एक शॉट में ही। तो अभी एक काम करते हैं, फटाफट से पहले इसकी स्किन निकाल लेते हैं। ओके तो खाने पीने का जो भी सामान होगा वो ले लेंगे, बाकी जितना भी वेस्ट है ना वो फेंक देता हूँ। जो स्किन है ना मैं आगे जाके उसको बुचर पे बेच दूंगा, पैसे ही मिल जाएंगे भाई। स्किन भी देख रहे हो काफ़ी बढ़िया तरीके से निकाली जाती है इसमें। ओके तो स्किन निकाल लेते हैं, इसके सींग विंग जो भी मतलब बेचने वेचने का सामान है ना सारा ले लिया। ओके तो अभी फटाफट से चलते हैं अपन लोग अपने घोड़े की तरफ। और गाइस मेरे को फिर से रेड रेड नज़र आ रहा है, मतलब बाउंटी हंटर्स को मेरी लोकेशन मिल चुकी है, वो कभी भी मेरे तक पहुंच सकते हैं। तो मुझे ना पहले अपने घोड़े के पास चल के ना फटाफट से काम करना है, पहले घोड़े के पास चलते हैं। ओके बॉस ये चलती 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 मेरे को ना गन वगैरह निकालनी पड़ेगी, उन बाउंटी हंटर से ना निपटना पड़ेगा। $165 की बाउंटी लगी है मेरे पर भाई, पुलिस वाले भी ना बड़े तगड़े हैं भाई, खुद नहीं आ सकते तो बाउंटी हंटर्स को भेज रहे हैं, मतलब सुपारी दे रखी है मेरी, समझ रहे हो, सुपारी दे के मरवा रहे मेरे को। ओके तो एक काम करते हैं, यहाँ पे पहले इसको लगाओ, आ जाओ बेटा आ जाओ आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। इस आगे बहुत सारे लोग आ गए, और एक मिनट ये ले लो यहाँ पे, आ जाओ बेटा तुम्हारी तो ऐसी की तैसी, बहुत टाइम हो गया तुमसे। इन लोगों को क्या लग रहा है मुझे पता नहीं है, इन लोगों का इस लग रहा है कि मेरे को पता ही नहीं है, यहाँ पे चार पाँच लोग मेरे को मारने आए हैं लोग, और ये लोग मेरे को कई दिनों से ढूंढ रहे हैं। ओके इन्हें क्या लग रहा है मुझे पता नहीं, और मुझे सब पता है कि ये लोग यहाँ पे हैं। निकल यहाँ से, एक बाउंटी हंटर को हेडशॉट दे दिया मैंने, निकल। ओ भाई घोड़ा ले लो इसका, एक सेकंड भाई, ये बाउंटी हंटर्स ना बहुत तगड़े शिकारी होते हैं, वो तो अच्छा है कि मेरे को पास ये वाली पिस्टल है, एक तरीके से ऑटो पे ही चल रही है, रीलोड नहीं होती बार बार। तेरी तो ऐसी की तैसी, निकल यहाँ से, एक लास्ट रह गया है। ओ भाई भाई मुंह पे आ गया, ओ भाई क्या हेडशॉट लगाया, इन्हें तो लूटना बनता है यार, इनको तो लूट, ये मेरे को लूटने आए थे, अगर ये मेरी डेड बॉडी ना पुलिस वालों को देते ना तो इन्हें $165 मिलते, बट कोई दिक्कत नहीं है, अभी मैं इनकी डेड बॉडी से भाई लूटने वाला हूँ। भाई बाउंटी हंटर्स बनोगे, तुम्हारी तो ऐसी की तैसी भाई, मेरे को लूटोगे। एक को मैंने यहाँ मारा है, सबको लूटा जाएगा, कुछ नहीं छोड़ना है। ओके गन ऑयल मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है भाई, गन को क्लीन वगैरह कर लूँगा। एक ही बॉडी यहाँ पड़ी हुई है, बहुत सही काम कर डाला भाई, पता ही नहीं चला। अच्छा ना ज़्यादा नहीं आए, कभी कभी तो 10-15 भी आ जाते हैं, बट ज़्यादा लोग नहीं आए, अच्छा है अपने लिए। ओ भाई रेनबो निकला है गाइस, यहाँ देखो सामने रेनबो निकला, कितना प्यारा लग रहा है, बारिश के मौसम में ना यहाँ पे ऐसा अक्सर ऐसा होता है। ओके तो पहले मैं एक काम करता हूँ भाई, पहले ना कुछ कुक कर लेता हूँ, क्योंकि भाई नाश्ता पानी नहीं हुआ है, खाना वाना भी ज़रूरी है। ओके तो पहले कुक करते हैं इसको बढ़िया तरीके से, बहुत सही खा लेते हैं यार, रखेंगे बाद में, पहले खा लेते हैं अच्छी तरीके से। ओके एक और कुक करो भाई, बढ़िया तरीके से खा पी के आराम से निकलते हैं। अभी वेदर भी काफ़ी ठीक हो चुका है, अभी अपने को जाना है डच के पास, डच का जो भी प्लान वगैरह होगा ना उसके प्लान के मुताबिक ही अपने को चलना है, इतना खाना काफ़ी है अभी के लिए फ़िलहाल। तो अभी फटाफट से यहाँ से निकलते हैं, एंड मुझे लगता है कि अभी ना आग को बुझा देते हैं। ओके तो अभी मैंने अपनी आग को बुझा दिया, मतलब जो भी मैंने कैंप वगैरह यहाँ पे सेटअप किया था सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे हटा दी है, एंड मेरे को ना जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना चाहिए। और भाई कितना ज़्यादा गंदा हो रहा है हीरा यार, देख रहे हो एक बार यार, इसको क्लीन करना तो बनता ही, भाई कितना गंदा हो रहा है ये, भाई देख रहे हो कितना ज़्यादा गंदा हो रहा है, इसको पहले क्लीन करो भाई, पूरा मिट्टी मिट्टी इसमें लगी हुई है बहुत ही बुरी तरीके से, बहुत टाइम से ना मैंने इसको नहलाया भी नहीं है, इसको नहलाना भी है यार, पर यह ऐसे गंदे पानी में तो नहीं नहला नहीं सकता मैं इसको, साफ सुथरे पानी में नहलाना पड़ेगा। तो अभी फटाफट से हम लोग यहाँ से निकलते हो, और एक सेकेंड तुम लोग यहाँ देख रहे हो
ये देखो भाई जंगली कछुआ तेरी तो निकल यहाँ से, टपक गया भाई एक लात में टपक गया। ये शिकार बहुत मिलता है इस साइड में, शिकार की भाई भरा पड़ा है इस एरिया में, जंगल में शिकार ही शिकार। ओके काम की चीज ले ली, इसकी काम की चीजें मैंने ले ली, बाकी मैंने छोड़ दिया इसको जो भी। एक सेकंड एक बंदे को मैंने यहाँ मारा था ना, इसको भी लूटो यार, इसके पास भी कुछ बढ़िया मिल सकता है, गोल्ड वोल्ड का सामान मिल सकता है। इसको भी लूटो, कुछ है क्या इसके पास बढ़िया? अबे यार $2 मिले, चलो कोई। ओके गोल्ड मिल गया भाई, गोल्ड मिल गया, गोल्ड की तलाश थी और गोल्ड मिल गया भाई, फाइनली गोल्ड मिल गया। ओके तो गाइस अभी हम लोग चलते हैं डच के पास और देखते हैं चल के भाई डच ने कितने बंदों को इकट्ठा किया है भाई। और यहाँ पे एक मेरे को साइड मिशन भी दिखा नज़र आ रहा है, यहाँ पे एक साइड मिशन भी आ रहा है जो कि यहीं ये डच रहा एंड मैं हूँ यहाँ पे, और साइड मिशन यहाँ पे आ रहा है, पर साइड मिशन के लिए मेरे को जाना पड़ेगा भाई काफ़ी ज़्यादा दूर जो कि मैं जा नहीं सकता, वहाँ पे तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाने वाला हूँ। तो फटाफट से अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं। और गाइस इस वाले वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, आई होप आप लोग को मजा आया, अगर मजा आए तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर देना, कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा। बाकी मैं आप लोग से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।